दस साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 तीन चुनावों को जोड़कर के कहूं, कांग्रेस के तीन चुनाव जोड़ू, तो इन तीन चुनावों में जितनी सीटें हमें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, ईडी वालों को अंदाज नहीं है, वे धीरे धीरे, पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। इंडी अलायंस वाले देश के सामान्य नागरिकों की जो समझ है, आज भी वो उसके सामर्थ्य को समझ नहीं पाए हैं या समझना चाहते नहीं है। भारत के सामान्य व्यक्ति की भी एक समझ है, और जो जमीन से जुड़ा रहता है ना, वो समझ को छूता है, समझता है, पहचानता है, वो वहां नहीं है। साथियों, इन लोगों का जो व्यवहार रहा है 4 तारीख के बाद, मैं आशा करता था कि वे लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार से लगता है कि शायद उनमें ये संस्कार आए, इसके लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा। और तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। और ये वो लोग हैं जो खुद की पार्टी के पीएम का अपमान करते थे, उसके निर्णयों को फाड़ देते थे, खुद की पार्टी को विदेशी मेहमान आ जाए तो उसके लिए चेयर नहीं होती थी। ये सारे दृश्य आपने देखे हैं।